ईश्वर का प्रेम दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए आज सामान्य समय का उनतीसवा रविवार है ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें आज के पाठों का सारांश पहला पाठ प्रभु ने इसराइल की खातिर राष्ट्रों को वश में रखने के लिए साइरस को चुना दूसरा पाठ संत पौलुस ने थेसलोनिकियों का स्वागत किया उन्हें प्राप्त सुसमाचार को याद करते हुए सुसमाचार पाठ फारिसी अपने शिष्यों को करों के बारे में प्रश्न लेकर यीशु का परीक्षण करने के लिए भेजते हैं नबी या से लिया गया आज का पहला पाठ हमें याद दिलाता है कि ईश्वर ने इज़राइल को ईश्वर के बारे में समझने से पहले ही चुन लिया था और पुष्टि की कि वह सच्चा ईश्वर था और उसके अलावा कोई अन्य ईश्वर नहीं था उन्हें याद दिलाया गया कि उन्हें केवल उनकी ही पूजा करनी है किसी अन्य झूठा देवता की नहीं संत पौलुस ने थेसलोनिकी के लोगों को लिखते हुए उन्हें याद दिलाया कि वह उनके लिए उनके विश्वास के लिए और उस प्रेम के लिए जो ईश्वर ने उन्हें यीशु मसीह के माध्यम से दिखाया था हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देते थे अपने प्यार में ईश्वर ने उन्हें चुना उन्हें खुशखबरी, ईश वचन और मजबूत विश्वास का उपहार दिया हमें भी ईश्वर को उनके विश्वास के उपहार को उनके जीवन देने वाले शब्दों को हमेशा याद करना चाहिए और अविभाजित हृदय से उनकी पूजा करनी चाहिए संत संतमती से लिया गया सुसमाचार पाठ हमें बताता है कि फारिसियों ने यीशु को पकड़ने और उसकी निंदा करने की योजना बनाई थी उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा कि क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं यीशु ने उनके बुरे दिमाग को जानकर एक प्रश्न पूछा कि क्या सिक्के पर कोई शिलालेख था उन्होंने कहा कैसर का तब ये सुने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो हमें मनुष्यों को वह देना है जिसके वे हकदार हैं और हमें ईश्वर को वह देना है जिसके वह हकदार हैं ईश्वर ने हर चीज़ की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप बनाया इसलिए हम सब कुछ ईश्वर के ऋणी हैं ईश्वर हमारी विनम्रता आज्ञाकारिता सम्मान पूजा धन्यवाद और हमारे प्रेम का पात्र हैं वह हमारे निर्माता ईश्वर और स्वामी हैं और इसलिए हम उनकी अच्छाई और प्रेम के लिए लगातार उन्हें धन्यवाद देते रहेंगे और हम उसकी पूजा करते रहेंगे हम जितना अधिक ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे उसकी पूजा अर्चना करेंगे उसकी कृपा और आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहेगा हमारी प्रार्थना और आराधना ऊपर जाती है और ईश्वर का आशीर्वाद हम पर आता है प्रार्थना हे प्रभु ये सुख्रीस्त हमें आपकी महानता और हमारे प्रति प्यार का एहसास कराने में मदद करें और हमें पूरे दिल से आपसे प्यार करने और आपकी सेवा करने में सक्षम बनाएं आमिन